को पीएम मोदी ग्वालियर में बड़ी सभा करेंगे। पीएम मोदी की सभा को बीजेपी जहां जीत का मास्टर स्ट्रोक मान रही है, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत पतली है, इसलिए पीएम मोदी को बार बार मध्य प्रदेश आना पड़ रहा है। एक रिकॉर्ड ग्वालियर चंबल संभाग, मध्य प्रदेश की सियासत में अपनी एक अलग पहचान और मुकाम रखने वाले वो क्षेत्र जिसे सूबे की सत्ता की चाबी कहा जाता है। 34 विधानसभा सीटों वाले क्षेत्र में जिस पार्टी ने जीत का परचम लहराया, उसने सियासत के सफर में सत्ता की मंजिल को पाया। यही वजह है कि बीजेपी ग्वालियर चंबल संभाग की अहमियत को समझते हुए कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, और इसलिए बीजेपी की जीत का झंडा बुलंद करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर ग्वालियर में पीएम मोदी की बड़ी सभा होने जा रही है। प्रधानमंत्री जी का आना मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए प्रसन्नता की बात है। वे ग्वालियर भी आ रहे हैं, अभी जबलपुर भी आ रहे हैं, नई सौगात लेके आएंगे। मध्य प्रदेश का विकास होगा और मध्य प्रदेश पर उनकी नज़र बनी रहेगी तो मध्य प्रदेश और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। मैं उनके आगमन का हृदय से बहुत स्वागत करता हूँ। एक तरफ बीजेपी पीएम मोदी की रैली को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि नेताओं की भगदड़ से जूझ रही बीजेपी की डूबती नाव को बचाने के लिए पीएम मोदी बार बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव लड़ाने पर भी कांग्रेस तंज कस रही है। हालांकि पलटवार में जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया है। भारतीय जनता पार्टी की नाव में इतने छिद्र हो चुके हैं कि उन पर अब छिद्रों की पूरी तरह से पेमेंट लगाना, कितने भी लगाएं नए छिद्र होते चले जा रहे हैं। भगदड़ मची है भाजपा में, तो अब इस तरह से मोदी जी बार बार आए, अब उनके पास जो बता राष्ट्र केंद्रीय सरकार में बरसों वरिष्ठ मंत्री थे, इतनी है उनकी हैसियत आ गई है कि उनको उतारने को चुनाव मजबूर होना पड़ा उन्हें। कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए इधर उधर की बातें करती है। कांग्रेस ये बताए कि 10 साल वो केंद्र की सरकार में रहे तो उन्होंने क्या किया। 2003 से पहले मध्य प्रदेश की सरकार में रहे तो उन्होंने क्या किया, बताने को कुछ है नहीं कि इस पर युवा खत्म हो गए, इस पर फलाना खत्म हो गए। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग वो क्षेत्र है जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में 34 में से 27 सीटों पर हार का सामना करके बीजेपी को 15 साल बाद सत्ता का सिंहासन छोड़ना पड़ा, और यही वो क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा सिंधिया समर्थक विधायकों की बगावत के चलते कांग्रेस को 15 महीने में ही सरकार से हाथ धोना पड़ा था। लिहाजा 2024 से पहले सत्ता के सेमीफाइनल कहे जा रहे इस विधानसभा में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों का ग्वालियर चंबल पर विशेष फोकस है, और यही वजह है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी की ग्वालियर चंबल के चुनावी मैदान में एंट्री होने जा रही है। सुशील कौशिक, ग्वालियर, न्यूज 18। बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन ताल ठोक रहा है। लगातार विपक्षी दलों के नेता बैठकें कर रहे हैं। 2024 की लड़ाई में पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का नेता कौन होगा, इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई। नीतीश कुमार का नाम पीएम उम्मीदवार के तौर पर उछला जरूर है। ऐसे में सवाल वहीं पर घूम कर आ रहा है कि क्या नीतीश के नाम पर इंडिया में सहमति बन पाएगी। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। जैसे जैसे महीने गुजर रहे हैं, चुनाव से जुड़ी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। इस बीच नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने के लिए लालू प्रसाद खुद फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। पार्टी की ओर से बयान आया है कि नीतीश कुमार में पूरी योग्यता है, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार का कोई प्रधानमंत्री बने। पहले राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति देश को बिहार ने दिया था,
आदरणीय नीतीश कुमार जी में क्षमता है, योग्यता है, अनुभव है, इसमें कहाँ कोई सवाल है। लेकिन ये किसी के कहने से नहीं होगा, लेकिन लोगों को इतनी आज़ादी है, वो अपने नेता के लिए दुआ मांग सकता है। इस बीच विरोधी दलों के गठबंधन INDIA में सीट बंटवारे के साथ ही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच हो रही मुलाकातों पर JDU कोटे के मंत्री और नीतीश के करीबी संजय झा का बयान भी कुछ उसी ओर इशारा कर रहा है। मैक्सिमम जगह 1-to-1 लड़ाई रखना, यही हम लोगों का लास्ट मीटिंग में तय हुआ था और मेरे ख्याल से उसमें ऑलरेडी मूवमेंट हो रहा है। पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कहते हैं कि देश का अगला PM वही बने जो अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, कुर्सी के लिए अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करने वाला हो। अगला PM वही बनेगा जो सबका साथ सबका विकास की भाव रखेगा, जो अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, जो सत्ता और कुर्सी के लिए अपराधियों भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करता है, जो अपने देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाता है, खोज ले पूरे देश में ऐसा व्यक्ति कौन है। INDIA गठबंधन की 3 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं। विपक्ष के चेहरे पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। नीतीश कुमार पहले कह चुके हैं वो PM पद की रेस में नहीं है। RJD JDU के नेता नीतीश को रेस में आगे बताते रहे हैं। बाकी पार्टियों के नेता नीतीश के नाम पर पत्ते नहीं खोल रहे। ऐसे में घूम फिर कर सवाल वहीं पर पहुंचाता है कि क्या INDIA में नीतीश के चेहरे पर बात बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर चुनावों के ऐलान से पहले धुआंधार और ताबड़तोड़ प्रचार का दौर जारी है। कांग्रेस संकल्प शिविरों के जरिए जनता के बीच पहुंचकर अपनी सरकार के काम का बखान कर रही है और इसी काम के दम पर फिर से सत्ता में लौटने का दावा भी, वो भी 75 से ज्यादा सीटों पर जीत के साथ। तारीखों के ऐलान, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले सियासी घमासान और जुबानी जंग तेज होती जा रही है। 2018 में BJP के 15 साल के शासन को ध्वस्त कर सत्ता पर काबिज होने वाली कांग्रेस फिर से जीत का दावा ठोक रही है और अब की बार 75 पार का नारा बुलंद कर रही है। कोरबा में कांग्रेस के संकल्प शिविर में पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा दावा किया। दीपक बैज के मुताबिक बघेल सरकार के काम और उपलब्धियों के बल पर ना सिर्फ कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी बल्कि 75 से ज्यादा सीटों पर जीत का झंडा बुलंद करेगी। इनकी और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा ये संदेश दिए हैं। लगभग 46 से अधिक विधानसभा हो चुकी हैं और आज 3 विधानसभा हम लोग को और जाना है। इस तरह से हमारा मकसद है कि छत्तीसगढ़ में आने वाला समय में नवम्बर में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाना है और छत्तीसगढ़ महतारी का सेवा करना है। इन्हीं उद्देश्य संकल्पों के साथ हम लोग आज लगातार संकल्प शिविर आयोजित कर रहे हैं। पार्टी कब तक टिकट फाइनल कर देगी? बहुत जल्दी, हमारा लगभग पूरी तैयारी है। आला कमान के ऊपर अभी स्टैंडिंग कमेटी की जल्दी बैठक होने वाली है और CEC की बैठक, उसके बाद हमारा टिकट डिक्लेयर हो जाएगी। कांग्रेस जीत का दम भरने में आगे है तो BJP भी निशाना साधने में पीछे नहीं है। BJP के मुताबिक कांग्रेस जनता के बीच अपना भरोसा खो चुकी है और 75 से ज्यादा सीटें जीतने का इरादा मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा और कुछ नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार सबको है। दीपक बैज जी उस अधिकार के तहत जो चाहे वो सपने देख लें। देश में स्थिति ये है कि केंद्रीय नेतृत्व को भूपेश बघेल के ऊपर भरोसा नहीं है, तभी चुनाव से 4 महीना पहले वे उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। प्रदेश की जनता के बीच कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है, चाहे वो महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, चाहे कर्मचारियों की बात करें। छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम चरम पर है। चुनाव प्रचार के शोर में वादों और दावों के साथ साथ वार पलटवार का दौर है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस देश में अपने मजबूत गढ़ में से एक बन चुके छत्तीसगढ़ को बचा पाएगी या BJP अपना जीत का सूखा खत्म करने में सफलता हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
वहीं मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता और शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। यशोधरा राजे सिंधिया के इस फैसले पर पार्टी और शिवपुरी की जनता का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्योंकि सरकार भी तो बनाना है, अपने को सरकार बनाना है ना। एक नंबर तो अपन जीत जाएंगे, और अगर सरकार नहीं बनी तो क्या करेंगे, फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। इसलिए एक नंबर भी जीतना है और सरकार भी बनाना है। तो सरकार बनाने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा कि नहीं घूमना पड़ेगा। तो ये चुनाव कौन लड़ेगा फिर? तो मैं कैलाश विजयवर्गीय नहीं हूँ, हर एक कार्यकर्ता क्या है ये मान के यदि हमने चुनाव लड़ा तो चुनाव में कोई परेशानी नहीं होगी, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ। दो दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का दिया गया ये बयान सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बना। अब बीजेपी की एक और कद्दावर नेता ने अपने बयान से सियासी खलबली बढ़ा दी है। शिवपुरी से विधायक और शिवराज सरकार में खेल मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही यशोधरा राजे सिंधिया इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनावी मैदान में उतरने से इनकार कर दिया है और संगठन को भी अपने इस फैसले की जानकारी दे दी है। पहले विजयवर्गीय और फिर यशोधरा राजे सिंधिया, बीजेपी के दिग्गजों के ऐसे बयान और फैसले पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। हालांकि संगठन सफाई दे रहा है और यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव नहीं लड़ने की वजह को जायज भी बता रहा है। यशोधरा जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं, आपको ये जानकारी मैं बता देता हूँ। लगभग 3-4 माह पहले से कोरोना से वो चौथी बार प्रभावित हुई, उन्होंने व्यक्तिगत मिलकर के मुझे भी कहा, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को भी कहा कि मैं हेल्थ इश्यूज के कारण इस बार मुझे जितना नीचे जाना चाहिए उतना मैं जा नहीं पा रही हूँ। इसलिए उन्होंने संगठन से, हमारे नेतृत्व से अनुरोध किया है कि मैं चाहती हूँ कि इस बार का चुनाव मैं न लड़ूँ। इसका अर्थ नहीं है कि वो कोई हेल्थ इश्यूज के कारण से उन्होंने कहा है। यशोधरा राजे सिंधिया जैसी दिग्गज नेता का चुनावी सियासत से दूर हो जाना बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं। दूसरी तरफ शिवपुरी की जनता की राय भी मिली जुली है। हाँ तो सही कही है, उन्होंने स्वास्थ्य के कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और का तो आप क्या चाहते हैं, वो लड़े या ना लड़े? अब वो लड़े तो अच्छी बात है, क्योंकि वो विकास तो करती है, और वो नहीं लड़ेंगी और कोई लड़ता है तो यहाँ बीजेपी की सीट निकलना असंभव है। यही कहना है कि वो हार की वजह से नहीं लड़ेंगे। अच्छा, या उनको डर हो गया होगा हारेंगे अब की बार, इसलिए नहीं लड़ेंगे। पेपर के माध्यम से मालूम चला है कि वो चुनाव के बारे में उन्होंने ऐसा बोला है, लेकिन अभी कोई ऐसी बात नहीं है। यशोधरा राजे सिंधिया 1998 से अब तक 4 बार विधायक रही है, साथ ही ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रह चुकी है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में उन्होंने बड़े अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी थी। अब यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करके बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। चुनौती ये कि यशोधरा राजे के बाद अब किस चेहरे पर जीत का दाव लगाया जाए, ताकि अभेद गढ़ बन चुके शिवपुरी पर बीजेपी का झंडा लहराता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो 2023 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए वैसे ही चुनौतियों भरा रहा है, क्योंकि सर्वे के आधार पर जिस तरीके से हमने देखा, मिली जुली प्रतिक्रियाएँ जनता की सामने आ रही हैं, कड़ी टक्कर की बात हो रही है। और ऐसे में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के ये बयान क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे, बीजेपी इसे कैसे टैकल करेगी, और यशोधरा राजे अगर चुनाव नहीं लड़ेंगी तो शिवपुरी में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, क्या सिंधिया को विधानसभा चुनाव का टिकट बीजेपी देगी जैसे कि दूसरी सूची में बीजेपी ने सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, तीसरी सूची में शिवपुरी का जिक्र होगा क्या, शिवपुरी से कौन होगा वो देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में नाबालिग से दरिंदगी के मामले में बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है, वहीं सीएम ने पूरे मामले में सख्त एक्शन लेने का भरोसा भी दिया है।
उधर बार एसोसिएशन के वकीलों ने आरोपी का केस नहीं लड़ने का फैसला भी कर लिया है। उज्जैन में नाबालिग बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को झकझोर दिया। मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची का पल पल का अपडेट ले रहे सीएम शिवराज आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की बात कर रहे हैं। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। इंदौर के एमटीएच अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है और हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल मासूम को लिक्विड डाइट पर रखा गया है। वहीं बार एसोसिएशन ने घटना को बेहद संवेदनशील मानते हुए आरोपी की पैरवी नहीं करने का फैसला किया है। इस घटना को लेकर जितनी निंदा की जाए कम है। बार एसोसिएशन का कोई भी अधिवक्ता, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसे दरिंदों की कोई पैरवी नहीं करे और कानून से हम न्यायालय के अंदर शीघ्र ट्रायल चलवा कर हम ये कोशिश करेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और जहाँ तक हो सके तो उसको फांसी की सजा दे। रेप के आरोपी की कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी के घायल होने की वजह से उसे इलाज के लिए इंदौर भेजा गया है। रेप मामले में आरोपी के पिता का भी बयान सामने आया है। आरोपी भरत के पिता राजू सोनी ने कहा कि अगर मेरे बेटे ने ऐसा अपराध किया है तो उसे मौत की सजा हो। अरे गलत क्या बाबूजी, बहुत ज्यादा गलत हुआ है ये, बहुत ही ज्यादा गलत हुआ ये तो, कि बेकार काम हुआ ये तो बहुत। ये तो कोई भी हुआ इसको तो सजा मिलनी चाहिए। इसको तो क्या सजा मिले, इसको जीवा मौत की जीवा और क्या सजा दे सकते हैं आप? आपको लग रहा है मौत की सजा देनी चाहिए? अपराध किया तो जरूर होने चाहिए ना बाबू जी। आपने कहा एक पिता हैं आप, एक पिता हैं और बेटा आपका, आपके बेटे ने इस तरह का कृत्य किया है, आपको लग रहा है कि किस तरह, आपने कहा मौत की सजा उसको देंगे, किस तरह की मौत की सजा आप कह रहे हैं? तो मौत की सजा देंगे जब भी तो दूसरा अपराधी बचेगा, इससे नहीं तो अपराध तो होते रहेंगे। इसे अपराधी को मौत की सजा नहीं देंगे तो फिर क्या दोगे आप? होते तो क्या करते सजा देने के लिए? सजा देने के लिए गए तो पुलिस कस्टडी में, मैं तो मार देता जाकर को, इतने दिन हो गए मेरे को मालूम पड़ जाती तो मैं तो मार देता इसको, या तो फिर पुलिस के हवाले करता अगर मेरे को नहीं मारना होता तो। उधर महाकाल थाने के टीआई ने बच्ची को गोद लेने की बात कहकर एक अच्छी पहल की है। उम्मीद है शरीर के साथ साथ दिल दिमाग के जख्म भी भरने में मदद मिलेगी। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।